टू द फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट। आज हम एडवेंट का सीजन शुरू करने वाले हैं, तो ये देखते हैं हमारे पास एडवेंट रीत है, फोर कैंडल्स हैं और तीन कैंडल्स के कलर जो हैं पर्पल और वायलेट हैं और एक पिंक है। तो आज हम पहले कैंडल जलाएंगे क्योंकि आज फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट है। जब हम कैंडल को जलाते हैं तो इसका ये मतलब है कि खुदा यीशु मसीह हमारी लाइट है, पूरी दुनिया की रोशनी है। तो आप देखेंगे अपने चर्च में भी आज के फादर ने ये पर्पल कलर का या के वायलेट कलर का चेजिबल पहना होगा और उधर वो कैंडल भी जलाएंगे। और हम हमारे चर्च में तो ऐसे करते हैं कि वो एक फैमिली को अपॉइंट करते हैं, तो वो पूरी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ सारे जाते हैं, कैंडल को जलाते हैं। तो आप आज देखेंगे कि कितना प्यारा है कि हम आज फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट शुरू करने वाले हैं। एडवेंट यानी आमद, आपको आमद का मौसम बहुत बहुत मुबारक हो। एडवेंट दो दिन के बाद शुरू होगा। आइए मिलकर दरियाफ्त करें कि एडवेंट या आमद का मतलब क्या है। एडवेंट का मतलब है आना, किसी का इंतजार करना। तो ये एडवेंट का या आमद का तमाम मौसम, पूरे चार हफ्ते हम यीशु मसीह का इंतजार करेंगे। ये आमद किसी आम शख्स की नहीं, बल्कि ये आमद मसीह खुदावंद की है। और यहूदी लोग जब मसीहा का इंतजार करते हैं तो वो हर रोज दुआ करते हैं और उनका पुख्ता यकीन है कि मसीहा आएगा। इसलिए आइए हम भी इस सीजन में मिलकर पुख्तगी से दुआ करें कि मसीह खुदावन आएगा और हम सब के साथ मिलकर हमारे दुख बांटेगा। आइए हम मिलकर दरियाफ्त करें कि हम आमद का पहला हफ्ता किस तरह मना सकते हैं। अपने हमसाया या मोहल्ला में ऐसे शख्स की तलाश करें जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। भूखों को तलाश करें और उनको खाना खिलाएं। अपने नेबरहुड में ऐसे लोगों को देखें जो तनहा हैं और उनको सुबह, शाम या दोपहर के वक्त दें। आपके करीब जो अस्पताल, नर्सिंग होम या कई ऐसे अदारे हैं जहां पर बहुत से लोग तनहा हैं, उनके पास जाएं, दुआ करें और उनके साथ वक्त गुजारें। एडवेंट सीजन के दौरान हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने घरों में अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, एडवेंट ट्री रखते हैं और बाहर अगर हमारे वो हैं बाहर की तरफ से और ऊपर छतों को सारे डेकोरेशन करते हैं, खाने बनाते हैं मज़े के, फिर वो कुकीज़ बनाते हैं, क्रिसमस कुकीज़ वेरी फेमस हैं इधर। तो ये सारी तैयारी है, प्रेपरेशन है और गिफ्ट तैयार करते हैं हम अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट रखते हैं, उनको देते हैं। तो ये सारी बहुत ही खूबसूरत रस्म और रवाज हैं जो हम करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह की आमद का इंतज़ार करते हैं और उसको वेलकम करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अपने दिलों को तैयार करना है कि हमने कैसे लोगों के साथ काइंड होना है, उनको प्यार करना है, कैसे उनके साथ हमने बहन भाइयों की तरह रहना है। इस एडवेंट सीजन में पहले हफ्ता का, आमद के पहले हफ्ता का थीम क्या है, मौजू क्या है? बुनियादी मौजू तैयारी है। हम मसीह खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, मसीह खुदावंद की पैदाइश के लिए। लेकिन इस हफ्ते का जो बुनियादी थीम है वो है बी अलर्ट, होशियार रहें, जागते रहें। क्योंकि जब भी आप पर शैतान हमला करता है तो उस वक्त आप यकीन करें हम सोए होते हैं, हम होशियार नहीं होते। और इस हफ्ता में याद रखें कि अगर आप मसीह खुदावंद की आमद की तैयारी करना चाहते हैं तो बी ऑन द अलर्ट, जागते रहें और हमेशा मसीह खुदावंद पर फोकस रखें। अगर आप जागना चाहते हैं तो मसीह खुदावंद से इस हफ्ता पूरा राबता करें, दुआ करें और मसीह खुदावंद आपको
आपके जागने में और होशियार रहने में आपकी मदद करें। एडवेंस सीजन के दौरान एक चीज़ याद रखें और एक चीज़ ही करें, क्योंकि अगर ज़्यादा आप स्केड्यूल बनाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ ही आप एडवेंट के दौरान करें कि आप डिनर के टाइम अपनी कैंडल को जलाएं और एज ए फैमिली दुआ करें। We wish you all a very fruitful first week of Advent. जाओ और सारी दुनिया को शागिर्द बनाओ।